जय माता दी, जय माँ कामाख्या, ओम गौरी शंकराय नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मंगला गौरी व्रत के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यह व्रत जो है श्रावण के महीने में किया जाता है, मंगलवार के दिन किया जाता है। सावन के महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं उन सब मंगलवार को ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को केवल सुहागिन महिलाएं ही करती है, कुंवारी कन्याएं इस व्रत को नहीं करती। यह व्रत जो है सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है, पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इसमें व्रत उपवास करना होता है, एक समय भोजन कर सकते हैं, लहसुन प्याज का इसमें प्रयोग नहीं होता है। इस व्रत को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, नए वस्त्र धारण करना होते हैं और पूरे सावन के महीने में शिव जी की उपासना भी करना होती है। संकल्प लेकर के यह व्रत करना होता है। जब भी यह व्रत प्रारंभ किया जाता है, एक बार प्रारंभ करते हैं तो 5 वर्षों तक इस व्रत को करना होता है। ना 5 वर्ष के जो श्रावण मास आते हैं उस श्रावण मास में यह व्रत करना होता है। इस व्रत के पूजन के लिए मंगला गौरी की पूजा की जाती है, घी के दीपक लगाए जाते हैं और इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 16 दीपक आटे के बना के लगाए जाते हैं और घी के दीपक ही लगते हैं। 16 की संख्या का इस व्रत से बहुत बड़ा संबंध है, यानी 16 उपचार पूजा की जाती है तो उसमें जो भी सामान लगता है वह सब सामान 16 सामान पूजा में रखना होते हैं। जैसे पान के पत्ते, सुपारी, चावल, मिठाई, तो वो सब 16 उपचार पूजा का भाग है। तो उसमें 16 की संख्या में सभी चीज 16-16 रखी जाती है। घी के दीपक भी 16 रखे जाते हैं और मंगल दोष जिस स्त्री को होता है, विवाह हो गया है और सुहागिन महिला है, उस महिला के द्वारा व्रत किया जाता है। ओम गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र जो है उस दिन जब करना होते हैं। इस मंगला गौरी व्रत को कुंवारी कन्या नहीं कर सकती, कुंवारी कन्याओं के लिए अलग से विधान दिया गया है जिसे गौरी व्रत कहा जाता है। तो गौरी व्रत जिसमें मंगला शब्द का प्रयोग नहीं है, ये गौरी व्रत जो है अषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी से यानी कि देव शयनि एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक लगातार व्रत करना होता है, इसे गौरी व्रत कहा जाता है। पूरा व्रत का विधान मंगला गौरी और गौरी व्रत दोनों के लिए एक जैसा ही होता है, परंतु कुंवारी कन्या जो है वह देव शनि एकादशी यानी अषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक इस व्रत को संपूर्ण करना होता है। और मंगला गौरी व्रत में केवल मंगलवार यानी श्रावण के जितने मंगलवार आते हैं उन मंगलवार को व्रत उपवास करना होता है। व्रत उपवास में पूर्णतः संयमित जीवन का अपनाना पड़ता है, किसी से कोई भी झगड़ा नहीं करना है, काम इच्छा को दबाना होता है, क्रोध को रोकना होता है, लोभ से दूर रहना पड़ता है, मोह नहीं करना है, किसी के आगे दंभ नहीं करना है। इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इन 10 राक्षसों से सुहागिन स्त्री को दूर रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।